कंटिन्यू द ब्रेस्ट, तो इसमें हम मैनेजमेंट पार्ट देखेंगे इसका। सो ब्रेस्ट कैंसर का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, एक तो सर्जरी से, दूसरा कीमोथेरेपी से, तीसरा रेडियोथेरेपी से दैट इज़ RT, एंड फोर्थ हार्मोनल थेरेपी से दैट इज़ HT। सो सर्जरी को देखते हैं सबसे पहले। तो सर्जरी एक तो प्राइमरी ट्यूमर के लिए की जा सकती है, दूसरी लिम्फ नोड के लिए। सो प्राइमरी ट्यूमर के लिए कौन कौन सी सर्जरी होती है, एक तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी होती है दैट इज़ BCS, और दूसरी मैस्टेक्टोमी होती है। तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी और मैस्टेक्टोमी दोनों में ही ओवरऑल सर्वाइवल सेम होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस भी आता है कुछ, जैसे कि LRR में दैट इज़ लोको रीजनल रिकरेंस में। तो लोको रीजनल रिकरेंस ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में हायर होता है दैट इज़ 4% ऑलमोस्ट, और मैस्टेक्टोमी में ये लेस देन 1% होता है, रिकरेंस रेट कम होता है काफ़ी। सो इसलिए ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में रेडियोथेरेपी मैंडेटरी होती है क्योंकि रिकरेंस रेट हाई होता है। नाउ ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के बारे में देखते हैं। तो लम्पेक्टोमी की जाती है इसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में अलॉन्ग विथ मार्जिन ऑफ नॉर्मल टिश्यू, यानी कि हमको लंप को रिमूव करना होता है, ब्रेस्ट लंप को, और साथ में ऐसे रिमूव करना होता है कि थोड़ा सा उसके अलॉन्ग मार्जिन्स नॉर्मल टिश्यू की भी कुछ टिश्यू आ जाए। सो अर्लियर मार्जिन इसकी 1 सेंटीमीटर डिसाइडेड थी, जबकि लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये 1 मिलीमीटर में डिसाइड की गई है, मतलब 1 mm भी काफ़ी होता है इसके लिए। अगर कोई कैंसर सेल्स नहीं पहुंच रहे हैं मार्जिन में तो मार्जिन गुड है, मतलब कि एक इनफ मार्जिन हमने ले लिया है लंप को रिमूव करने के लिए। तो ये इसका डायग्राम है, इस तरीके से हम कट करते हैं। नाउ ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी, ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी में क्या किया जाता है, ट्यूमर को रिमूव किया जाता है, साथ में प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्शन भी किया जाता है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट से, दूसरा वॉल्यूम रिप्लेसमेंट से। तो वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें हम रिसेक्ट करते हैं ब्रेस्ट टिश्यू को और डिस्प्लेस कर देते हैं ब्रेस्ट टिश्यू को, फिर उसके बाद फिर हम उसको क्लोज कर देते हैं। तो इसमें 10-15% वॉल्यूम को ऑलमोस्ट रिमूव किया जाता है। लेकिन वॉल्यूम रिप्लेसमेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 15% वॉल्यूम को हम इसमें रिमूव करते हैं और फ्लैप हम इसमें बैक से लेते हैं और फिर डिफेक्ट को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है इसका, ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी का, एक तो रेडियोथेरेपी का हम कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे, दूसरा टेक्निकल कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे। सो टेक्निकल कॉन्ट्राइंडिकेशन ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के टाइम पे ही होता है। सो रेडियोथेरेपी में जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो कौन कौन से है, फर्स्ट तो प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, उसमें रेडियोथेरेपी बिल्कुल नहीं करना है। सेकेंड कोलेजन वेस्कुलर डिजीज़ होती है, वो SLE जैसे कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस या फिर RA दैट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, तो उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना होता है। देन थर्ड प्रायर रेडियोथेरेपी भी इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, प्रायर रेडियोथेरेपी अगर एक्सपोजर हुआ है चेस्ट वॉल का, तो ये भी रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है क्योंकि 1.5 साल या 2 साल के बाद हम फिर से रेडियोथेरेपी एक्सपोजर कर सकते हैं एक बार होने के बाद। नाउ टेक्निकल कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, तो अगर मल्टीसेंट्रिक ब्रेस्ट कैंसर है तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी इसमें बिल्कुल नहीं करता है। मल्टीफोकल जो है वो रिलेटिव वाला कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है अगर एक ही क्वाड्रेंट में है तो। नाउ थर्ड लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर LABC भी इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है BCS का। नाउ फोर्थ लार्ज ट्यूमर टू ब्रेस्ट रेशियो, अगर किसी लेडी का ब्रेस्ट काफ़ी छोटा है और ट्यूमर उसमें बहुत बड़ा है तो वो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा क्योंकि उसमें नियो एडजुवेंट थेरेपी दी जा सकती है उसको मॉडिफाई करने के लिए, इसलिए ये रिलेटिव होगा। नाउ फिफ्थ लोबुलर कैंसर है, वो भी मल्टीसेंट्रिक होता है मोस्टली, इसीलिए ये भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के लिए। नाउ फैमिली हिस्ट्री सेंट्रल ट्यूमर और लिम्फ नोड अगर प्रेजेंट है ब्रेस्ट कैंसर में तो ये सारे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होते, ये भी एक याद रखने वाली बात है। तो अगर पेशेंट ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी का कैंडिडेट नहीं है, यानी कि वो डिसाइड नहीं कर रहा है कि वो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करना है, उसे उसके लिए मना कर रहा है अगर वो, तो ये टोटली पेशेंट का डिसीजन होता है कि उसे क्या करवाना है, हम सिर्फ ऑप्शंस देते हैं।
तो अगर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के लिए वो मना कर रहा है तो हम फिर मैस्टेक्टोमी करते हैं। तो मैस्टेक्टोमी में स्किन और निपल स्पेरिंग एक मैस्टेक्टोमी होती है जो ब्राका म्यूटेशन वाले पेशेंट पे की जाती है। और बाकी मेनली इसके 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज़ रेडिकल, मॉडिफाइड रेडिकल एंड सिंपल मैस्टेक्टोमी। सो रेडिकल मैस्टेक्टोमी को हेलस्टेट ने डिस्क्राइब किया था। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स रिमूव किए जाते हैं, एक तो ब्रेस्ट प्लस निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स रिमूव किया जाता है, दूसरा पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर दोनों को रिमूव कर देते हैं, और तीसरा लेवल 1, 2, 3 के एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को भी रिमूव कर देते हैं रेडिकल मैस्टेक्टोमी में। नाउ मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी में MRM में क्या किया जाता है, इंसिजन दिया जाता है एलिप्टिकल वाला, एलिप्टिकल स्टीवर्ट उस इंसिजन का नाम होता है। और इसमें स्ट्रक्चर्स कौन-कौन से रिमूव करते हैं, पहला तो ब्रेस्ट प्लस निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स को रिमूव करते हैं, दूसरा पेक्टोरल फेशिया को रिमूव करते हैं, तीसरा लेवल 1, 2, 3 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को रिमूव करते हैं, एंड फोर्थ पेक्टोरलिस माइनर को रिमूव कर भी सकते हो नहीं भी, क्योंकि 3 इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, किसी में रिमूव करते हैं किसी में नहीं। तो ऑचिन क्लॉस जो होता है एक मेथड, उसमें पेक्टोरलिस माइनर को रिट्रैक्ट कर दिया जाता है, जबकि स्कैनलॉन और पैटे में, पैटे वाला जो मेथड होता है उसमें पेक्टोरलिस माइनर को कट कर दिया जाता है, इन दोनों में कट कर देते हैं। सो इसीलिए पेक्टोरलिस माइनस बाइंडर प्लस माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ सिंपल मैस्टेक्टोमी कैसी होती है, इसमें ब्रेस्ट प्लस निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स को रिमूव करते हैं और पेक्टोरल फेशिया को रिमूव करते हैं, पर इसमें एक्सिलरी लिम्फ नोड को रिमूव नहीं करते हैं। इसके इंडिकेशंस कौन से होते हैं, फर्स्ट तो फाइलोर्स ट्यूमर है तो ये लिम्फ नोड में नहीं जाता, इसलिए ये इंडिकेशन हुआ इसका। सेकेंड DCIS डक्टल कार्सिनोमा इंसिटू, अगेन ये लिम्फ नोड में नहीं जाता इसलिए ये इंडिकेशन होता है। थर्ड टॉयलेट मैस्टेक्टोमी इसका इंडिकेशन होती है, जो कि फंगेटिंग कार्सिनोमा के लिए की जाती है, और ये सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होती है, ना कि पूरी तरीके से डिजीज़ को रिमूव करने के लिए, इसलिए इसमें सिंपल मैस्टेक्टोमी करते हैं। नाउ एक्सिलरी क्लियरेंस, एक्सिलरी क्लियरेंस अगर हम करते हैं मैस्टेक्टोमी में तो उसके लिए हमें सिर्फ बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। तो बाउंड्रीज क्या होती है, इसकी सुपीरियरली ये एक्सिलरी वेन से बाउंडेड रहता है, लैटरली ये बाउंडेड रहता है थोरेसिक डोर्सल पेडिसल से, देन इन्फीरियरली ये बाउंडेड रहता है एंगुलर वेन से, एंड मीडियली ये बाउंडेड रहता है हेलस्टेट लिगामेंट से। सो लॉन्ग थोरेसिक नर्व एक बाउंड्री नहीं फॉर्म कर रही है ना, इसमें सिर्फ थोरेसिक डोर्सल पेडिसल फॉर्म कर रही है। अगर एक्सिलरी क्लियरेंस हम अगर हम करते हैं तो मिनिमम 10 लिम्फ नोड्स को हमको रिमूव करना होता है। देन हम क्या क्या सेव करते हैं एक्सिलरी क्लियरेंस में, एक तो लैटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व्स को बचाते हैं, दूसरा पेक्टोरलिस मेजर को बचाते हैं, और तीसरा थोरैकोडोर्सल पेडिसिल को बचाते हैं जो कि उसकी एक बाउंड्री रहती है। नाउ कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है एक्सिलरी क्लियरेंस के, एक तो ब्लीडिंग या हीमरेज होता है, बहुत ब्लीडिंग हो जाती है। सेकेंड नर्व्स में इंजरी हो सकती है। देन मोस्ट कॉमन जो नर्व इंज्योर होती है मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी में वो होती है ICBN, दैट इज़ इंटरकोस्टल ब्रैकियल नर्व्स, वो सबसे ज़्यादा इंज्योर होती है। और ये सेंसरी नर्व्स होती है इनर आर्म और एक्जिला में, इसलिए यहाँ पे अल्टर्ड सेंसेशन मिलता है उस एरिया में। नाउ नर्व इंजरी जो कि फिंगिंग ऑफ स्कैपुला को लीड करती है, वो कौन सी नर्व इंजरी होती है, दैट इज़ लॉन्ग थोरेसिक नर्व। और फिर लैटिसिमस डोर्साई को इनोवेट किया जाता है उसको ठीक करने के लिए। नाउ थर्ड कॉम्प्लिकेशन इसका फ्यूब नेक्रोसिस हो सकता है, एंड फोर्थ कॉम्प्लिकेशन जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो सेरमा फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है फ्लैप्स के नीचे। सो ये हमने ब्रेस्ट का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।